हेलो चिल्ड्रन, प्रीवियस लेक्चर पे मैंने आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था ज्योग्राफी का, जिसका चैप्टर का नाम मैंने बताया फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया है। उसमें मैंने बताया था कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, वो सब डिफाइन किया। साथ ही मैं आपका पहला टॉपिक स्टार्ट किया था थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। एक बात और, आपके बुक में ये हेडिंग नहीं दिया हुआ है, जो ऊपर इंट्रो है ना, उस इंट्रो में ये हेडिंग को डिफाइन किया गया है, इसको समझाया गया है। तो आप इसे हेडिंग के तौर पर मत सर्च कीजिएगा कि कहाँ है ये हेडिंग, कहाँ है हेडिंग, उसी इंट्रो में ये चीज़ें हैं। मैंने क्या बताया, मैंने आपका नोट थोड़ा अलग ढंग से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बुकिस लिखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा अलग प्रकार से उसी चीज़ को समझ के हम दूसरे लैंग्वेज में मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो जो आपका इंट्रो है, उसी में ये वर्ड है, उसी को मैं डिफाइन करना चाह रहा था। आपका जो इंट्रो है, जो अच्छा खासा आपका लिखा हुआ है पूरे पेज में, उसको मैं शॉर्ट कट में उसमें क्या आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है उस व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसी का आपका नोट भी बना रहा हूँ। क्लियर? तो पिछले टर्म पे मैंने पढ़ाया था कि इंडिया का डिफरेंट फिजिकल फीचर्स है, अलग अलग यहाँ रॉक्स है, और ये होने का रीज़न मैं यहाँ पे डिफाइन कर दिया था। और ये पूरा प्रोसेस जिस थियोरी में, जिस मेथड में हम लोग पढ़ते हैं, उसी थियोरी या उसी मेथड को हम क्या कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स। क्लियर? आइए लेक्चर को कंटिन्यू ले चलते हैं आज। तो ये सब कुछ पिछले टर्म पे आपका यहाँ तक हो गया था। साइंटिस्ट है अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन ऑल दिस विद द हेल्प ऑफ थियोरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, यानी ये सब कुछ जो डिफाइन किया गया है, ये साइंटिस्टों द्वारा जिस थियोरी के इंटरनल में डिफाइन किया गया, उस थियोरी को बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। अकॉर्डिंग टू थियोरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, इस थियोरी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया, अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट। पूरा अर्थ जो है वो 7 बड़े प्लेट में और कुछ छोटे छोटे प्लेटों में डिवाइड है। आपको पता है ये अर्थ है, अर्थ के सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं क्रस्ट। क्लियर? ऊपर सबसे पतला परत होता है, इसे हम कहते हैं क्रस्ट। यही आपके सॉयल वगैरह होते हैं, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है सबसे ऊपर वाला। कुछ किलोमीटर जब हम अर्थ के अंदर जाते हैं तो जो दूसरा लेयर मिलता है, उस लेयर को हम कहते हैं मेंटल, मेंटल बोलते हैं उसको। उस लेयर की खासियत ये है कि वो वहाँ गर्म हॉट लिक्विड होता है, जिन्हें आप मैग्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं उस मेंटल को, हम मैग्मा। एक तरह से सबसे ऊपर होता है क्रस्ट, फिर होता है मेंटल। मेंटल कैसे होता है, लिक्विड टाइप का, और वो लिक्विड काफ़ी हॉट होते हैं, बिल्कुल मैग्मा की तरह। आप मैग्मा समझते हैं, जो ज्वालामुखी ने निकलता है, बाहर निकलते हैं ना उसके लिक्विड, उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्मा, जो बहुत ही हॉट होता है। क्लियर? उसके नीचे जो तीसरा और सबसे लास्ट लेयर जो होता है, उसे हम कहते हैं कोर, जो एकदम मिड सेंटर में होता है, और कहते हैं यहाँ अर्थ एक बार फिर सॉलिड रूप में हो जाता है। क्लियर? यानी ऊपर सॉलिड, फिर नीचे लिक्विड, और फिर लास्ट का जो नीचे वाला लेयर है वो भी आपका सॉलिड हो जाता है। यानी अर्थ जो है वो 3 बड़े बड़े लेयर में डिवाइड किया गया है। अब आप समझ सकते हैं, जब कई सारे लेयर्स की कोई चीज बनी होती है तो उसमें क्रैकिंग आ जाता है। क्या जाता है, क्रैक हो जाता है। क्रैक होता है ना, कोई बहुत सारे लेयर्स में अगर कोई चीजें बनी है तो क्या होता है, क्रैक आ जाता है बीच में। क्लियर? तो यही ऐसा क्रैक आया है आपके अर्थ में भी, और वो क्रैक ने क्या किया, आपके अर्थ को 7 बड़े प्लेटों में और कुछ छोटे छोटे प्लेटों में पूरे अर्थ को तोड़ दिया। कारण क्या, कारण ये है क्योंकि अर्थ कई सारे लेयर से बने हैं, और लेयर से बनने की वजह से उसमें क्रैकिंग आना स्वाभाविक है। क्लियर? तो क्या हुआ, अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड 7 मेजर, अर्थ जो क्रस्ट है वो डिवाइड है कितना, 7 बड़े बड़े प्लेटों में और कुछ छोटे प्लेटों में। याद रखना, क्रस्ट डिवाइड है, नीचे वाला डिवाइड मेंटल डिवाइड नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो क्या है, लिक्विड है, तो वो कैसे डिवाइड होगा। तो ये क्या है, क्रस्ट डिवाइड है 7 बड़े प्लेटों में और कुछ छोटे प्लेटों में। क्लियर? प्लेट्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब नीचे भाई मैग्मा है, वो लिक्विड है, तो निश्चित तौर पे प्लेट क्या होंगे, मूव होंगे ना, उसमें क्रैकिंग है तो वो धीरे धीरे मूव होंगे। लेकिन याद रखिएगा, उनका मूवमेंट हम लोग जैसे नहीं है कि फटाक से कूद के यहाँ, फटाक से कूद के वहाँ, ये मूवमेंट बहुत ही धीरे धीरे होता है। कई लाख ईयर्स में, कई लाख सालों में इस प्लेट में थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है। प्रिय, तो प्लेट्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, प्लेट हमेशा मूव करते रहते हैं, फ्लोटिंग ऑन मैग्मा, मैग्मा के ऊपर फ्लोट करते हुए। लेकिन याद रखना, इनका जो मूवमेंट है वो
स्पीड में नहीं होता, कई लाख सालों में थोड़ा बहुत मूवमेंट उसमें होता है, और इस मूवमेंट होने की वजह से फोल्डिंग, फॉल्टिंग और वोल्केनिक एक्टिविटी, ये तीन चीज़ें होती हैं जो आगे मैं इस सेंटेंस को डिफाइन करूंगा। ये लीडिंग टू फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वोल्केनिक एक्टिविटी, इसको नेक्स्ट मैं डिफाइन करूंगा। अभी बस इतना याद रखना कि प्लेट क्या होता है, मूव करते रहते हैं वो सातों बड़े बड़े प्लेट, और मूव कहाँ करते रहते हैं, मेंटल यानी मैग्मा के ऊपर। क्लियर, अभी उन तीनों वर्ड्स को मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ क्या क्या तीनों वर्ड्स हैं। क्लियर, देखिए, ड्यू टू द मूवमेंट, इस मूवमेंट के कारण, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्लेट, प्लेट्स के इस मूवमेंट के कारण वेरियस चेंजेस आकर कुछ चेंजेस आती हैं। कितने चेंजेस आते हैं, तीन प्रकार के चेंज आते हैं। जो प्लेट मैग्मा के ऊपर मूवमेंट करता है, उस मूवमेंट को करने की वजह से तीन प्रकार के चेंजेस आते हैं प्लेट में। क्लियर, क्या, पहला होता है कन्वर्जेंट प्लेन, कन्वर्जेंट प्लेट, दूसरा डाइवर्जेंट प्लेट, और तीसरा ट्रांसफॉर्म प्लेट। क्लियर, यानी प्लेट में तीन प्रकार की प्रक्रिया होती है, तीन प्रोसेस होता है। पहला क्या होता है, कन्वर्जेंट, आप वर्ड से ही समझ में आ जाता है, कन्वर्जेंट मीन्स क्या होता है, प्लेट एक दूसरे को कन्वर्ज करना, यानी एक प्लेट इधर मूवमेंट कर रहा है और एक प्लेट इधर मूवमेंट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे में ये कन्वर्ज हो जाएगा, एक दूसरे में मिलेगा, और मिलेगा तो निश्चित तौर पे ये थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर की तरफ हो जाएगा। होते हैं ना, एक प्लेट इधर से आ रहा है, एक प्लेट इधर से आ रहा है, और जब दोनों प्लेट थोड़े टकराएंगे तो क्या होगा, ऊपर एक थोड़ा सा सिरा निकल जाएगा। ये जो सिरा निकला, इसी को कहते हैं फोल्डिंग, ये वर्ड है ना, फोल्डिंग, मैंने बोला ना अभी फोल्डिंग को मैं डिफाइन करूंगा, तो यही आपका क्या कहलाता है, फोल्डिंग। क्लियर, प्लेट्स कम टूवर्ड्स ईच अदर, प्लेट क्या होगा, एक दूसरे के तरफ आएगा, और जब कन्वर्ज होगा तो कन्वर्ज से क्या होगा, ऊपर की तरफ एक श्रेणी निकलेगी, एक प्रकार का टॉप निकलेगा, इसी को कहते हैं फोल्डिंग, और इसी प्रक्रिया से बनता है आपका माउंटेन। क्लियर, आगे मैं हिमालयन, आपके नॉर्दर्न प्लेन, इन सब को डिस्कस करूंगा, तो मैं बताऊंगा हिमालय के बनने के पीछे यही रीजन है, कन्वर्जेंट प्लेन, यानी यही रीजन है जिससे हिमालय जैसा माउंटेन बना, यानी माउंटेन के बनने का सबसे बड़ा रीजन है दो प्लेटों का एक दूसरे में कन्वर्जेंट हो जाना। कोई समस्या, क्लियर हो गया, प्लेट कम्स टूवर्ड ईच अदर, एक दूसरे के पास आते हैं, ऊपर टॉप टाइप निकल जाएगा, उसे फोल्डिंग कहते हैं, एग्जांपल हो गया आपका माउंटेन। दूसरा जो पॉइंट है ये है डाइवर्जेंट। क्लियर, आप जान रहे हो ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, नीचे क्या है, मैग्मा है पूरा, तो मैग्मा में एक प्रकार का फोर्स लगता है, एक करंट निकलता है, जो करंट कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ करंट जाता है। ये जब ऊपर करंट जाएगा तो इस प्लेट को और इस प्लेट को क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा, यानी ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, ये जो दोनों प्लेटें होंगी ये क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे डाइवर्जेंट हो जाएगी, यानी ये इधर प्लेट होता जाएगा और ये इधर होता जाएगा, तो बीच में एक प्रकार का रिफ्ट मिल जाएगा, यानी गैप मिल जाएगा एक प्रकार का, इसी को हम कहते हैं फॉल्टिंग, ये दूसरा वर्ड है फॉल्टिंग, जो मैंने कहा आगे डिफाइन करूंगा, तो ये क्या हो जाता है, इसको हम कहते हैं फॉल्टिंग, और ये बीच में क्रिएट क्या हो जाता है, एक प्रकार की रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली आप जानते ही हैं, रिफ्ट वैली उसे कहते हैं जिसके बीच में नदियां वगैरह बहती हैं, इन्हीं के बीच में नदियां वगैरह बहती हैं। क्लियर, तो क्या हो जाएगा, नीचे करंट फ्लो होगा, प्लेट जब वो करंट एकदम प्लेटों के बीचों बीच में लगता है तो क्या होता है, ये तो उसमें प्लेट में क्रैकिंग है ही, तो ये प्लेट क्या होगा, एक दूसरे को दूर ऐसे जाएंगे, ऐसे दूर जाएंगे, तो बीच में ये जो स्पेस मैं बना रहा हूँ, ये स्पेस क्या होता है, रिफ्ट होता है, इसी में नदियाँ वगैरह बहती हैं, इससे क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट, इसे रिफ्ट बनाई जाती हैं जिसमें नदियाँ बहेंगी, और इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं फॉल्टिंग, यानी ये हो गया आपका फोल्डिंग और ये हो गया आपका फॉल्टिंग। क्लियर, आइए तीसरे पे चलते हैं, तीसरा क्या होता है, ट्रांसफॉर्म प्लेट, इसमें क्या होते हैं, प्लेट है, प्लेट्स मूव्स हॉरिजॉन्टली, ये प्लेट क्या करता है, हॉरिजॉन्टली मूव करता है, यानी ऊपर वाला प्लेट इधर जाएगा, नीचे वाला प्लेट इधर जाएगा, यानी प्लेट क्या होते हैं, मूव करते हैं एक दूसरे के हॉरिजॉन्टली, और इसकी वजह से आते हैं अर्थक्वेक, इसी की वजह से आते हैं वोल्केनो, ये कहलाता है आपका तीसरा पॉइंट, जिन्हें हम कहते हैं वोल्केनिक एक्टिविटी।
क्लियर। यानी मूवमेंट से तीन प्रकार के प्लेट मूवमेंट होते हैं, पहला कन्वर्जेंट प्लेट होता है, दूसरा डाइवर्जेंट और तीसरा होता है ट्रांसफॉर्म प्लेट। कन्वर्जेंट से माउंटेन बनते हैं, डाइवर्जेंट से आपके रिफ्ट वैली बनती है जिनमें अच्छी खासी नदियों का प्रवाह होता है, नदियाँ फ्लो होती हैं। तीसरा आपका ट्रांसफॉर्म प्लेट है जिसकी वजह से आपके अर्थक्वेक और वोल्केनिक एक्सीडेंट, वोल्केनिक घटनाएं होती हैं आपके अर्थ पे। क्लियर हो गया? तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग भी डिफाइन कर लेता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट, व्हाट इज डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट, व्हाट इज ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट। तो याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ अच्छे खासे बनते हैं। क्लियर? ड्यू टू दिस प्लेट मूवमेंट, इन सब प्लेट मूवमेंट से प्लेट कोलाइड, क्रम्बल एंड स्लाइड्स अंदर ईच अदर। कभी कभी प्लेटें आपस में टकराती हैं तो बहुत बड़ा विस्फोट होता है, कभी प्लेटें एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, कभी एक दूसरे को कोलाइड कर लेती हैं। यानी इन प्लेट के मूवमेंट से पृथ्वी पर यानी अर्थ पे अलग अलग प्रक्रिया होती है और उससे अर्थ में कई प्रकार के उथल पुथल देखने को मिलते हैं। एक बार हमेशा याद रखिएगा, फिर मैं बता दे रहा हूँ, ये मूवमेंट जो है वो तुरंत नहीं हो जाता, बहुत फास्ट नहीं होता, बल्कि ये मूवमेंट कई लाख कई सालों में थोड़ा बहुत होता है। क्लियर? लेकिन इतना याद रखना कि हमेशा होता है मूवमेंट, ये मूवमेंट कभी रुकता नहीं है। कभी प्लेटें हमेशा चलती रहेंगी तो कभी कन्वर्जेंट में टकराएंगी, कभी डाइवर्जेंट में, लेकिन हमेशा वो एक दूसरे से टकराती रहती है। क्लियर? सिमिलरली स्टेम इसी प्रोसेस से, सिमिलरली दिस मूवमेंट हैज रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ द प्रेजेंट लैंड फीचर ऑफ इंडिया। इन्हीं सब प्लेट मूवमेंट के कारण आज जो आप इंडिया में लैंड फीचर देखते हैं वो यही कारण है कि प्लेटें ये मूवमेंट करती हैं और उस मूवमेंट की वजह से आपके इंडिया में कई सारे माउंटेंस, कई सारे प्लेट्यू, कई सारे वैलीज, कई सारे प्लेन्स देखने को मिलते हैं। उसका कारण एक इन प्लेटों का मूवमेंट, वही बोल रहा है सिमिलरली दिस मूवमेंट हैज रिजल्टेड। इस मूवमेंट का रिजल्ट क्या आएगा? इन द फॉर्मेशन बनेगा एंड इवेल्युएट होगा प्रेजेंट लैंड फीचर ऑफ इंडिया, जो आप इंडिया में इस समय लैंड फीचर देखते हैं। क्लियर? तो आपका जो टॉपिक है यानी इंट्रो, जो ऊपर आपका टॉपिक था प्लेट टेक्टोनिक्स, वो टॉपिक आज आपका ख़त्म हो गया है इसी लेक्चर के साथ। आज आपने देखा कि प्लेट थ्योरी या प्लेट टेक्टोनिक्स क्या कहता है और उसके अकॉर्डिंग प्लेट किस प्रकार एक दूसरे में टकराती हैं, कितनी प्लेट होती हैं, उनके एक दूसरे से टकराने की वजह से अर्थ पे क्या क्या घटनाएँ होती हैं, साथ ही देखा आपने कुछ एग्जाम्पल्स भी उसके। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका लैंडमार्क डिस्कस करूंगा, यानी आपका गोंडवाना प्लेट वगैरह के, गोंडवाना लैंड वगैरह के बारे में बात करूंगा, आर्कियन लैंड वगैरह के बारे में बात करूंगा। साथ ही अगर समय रहा तो मैं एंट्री करूंगा आपके हिमालया में भी, यानी हिमालयन रीजन पढ़ाऊंगा, जो आपके चैप्टर का शायद पहला हेडिंग है। क्लियर? तो ये इंट्रो का ही ये सारा पॉइंट था, तो ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं इन सारे पॉइंट से। पिछले टर्म पे मैंने आपको होमवर्क भेजा था प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, एक दो बच्चे कहे थे कि सर कहाँ है ये टॉपिक, मिल ही नहीं रहा है, तो आपका लेक्चर ही मैं ले रहा हूँ, लेक्चर में ही बता दे रहा हूँ, तो आपको बुक में खोजने की ज़रूरत ही नहीं। अगर समझ गए हो तो खुद अपने ही शब्दों में लिख के बात ही खत्म। क्लियर? अगर नहीं समझे भैया तो आपके इंट्रो में है ये पॉइंट, वहाँ से समझिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर मुझसे डिस्कस कीजिएगा। वीडियो में मैं इतना एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको कोई वर्ड्स प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, इसलिए आपके वीडियो भी मैं छोटे छोटे अपलोड करता हूँ जिससे कम से कम एक एक पॉइंट अच्छे से आप समझ सकें उन पॉइंट को। क्लियर? तो आज आपका बस यहीं पे रोक देता हूँ प्लेट टेक्टोनिक्स के साथ। इस प्लेट टेक्टोनिक्स के पॉइंट को आप समझिएगा, कुछ होमवर्क्स भेजे जा रहे हैं आप उसको कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं लैंडमार्क डिस्कस करूँगा, यानी आपके डिस्कस करूँगा गोंडवाना लैंड, दक्कन ट्रैप, इन सब के बारे में। ओके, थैंक यू।